मैं जन्नत हूँ, पर मैं मिर्ज़ा के नाम से अपना ब्लॉग लिखती हूँ, क्योंकि कश्मीर की सच्चाई की तरह मेरी हस्ती भी छुपी हुई है। मैं कश्मीर की वादियों या यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट के पोस्टर्स के बारे में नहीं लिखती हूँ। मैं कश्मीर का सच बयां करती हूँ, वो सच जो कर्फ्यू और सियासती पैंतरों में रोज़ दबाया जाता है। असली कश्मीर हम चार बहनों में हैं। महर की सादगी, डल के झील सी गहरी बानों की आवाज़, अमल के अंदाज और मेरी कलम की ललकार में। हकीकत जाननी है तो अखबार में नहीं, हमारी आंखों में झांक के देखें। हम कश्मीर हैं। मेरे अखरोट। शट अप अजी। मेरी पेन ड्राइव। मूव फैटास। दे। क्या? पेन ड्राइव। व्हाट्स गोइंग ऑन चे? अजी। हाँ? अजी। ये क्या? हुकूमत को गिराने का नया सीक्रेट फॉर्मूला। कम ऑन मिर्ज़ा। वेयर्स द लव? अल्लाह। तू चला गया। ये जगह तेरे पीजे से ज़्यादा बोरिंग हो गई। I missed you more than I missed my newspaper in my morning shit. Feels. ये ले। कब वापस आए? बस अभी 2 घंटे हुए। And you already? It's called jet lag. London में ही रहना चाहिए था। मिर्ज़ा, I missed you, man. You should have. 5 महीने नहीं हुए हैं वापस आ गए। Hello. मैं ब्रेक पे आया हूँ। एंड यू नो व्हाट मिर्ज़ा, आई वाज ना मिर्ज़ा बिल विदाउट यू। फक ऑफ, आई हैव टू स्लीप नाउ। अच्छा, कल अकील और अर्शा के निकाह पर आ रही हो? ऑफ कोर्स, जैसे अम्मी मुझे मिस करने देंगी। आई लव टू। अल्लाह हाफिज। बाय। सुबह 5 बजे आ रही हो, सारी रात कहाँ थी? गजेट ऑफिस में ऑफिस आवर्स के बाद ही इंटरनेट इस्तेमाल करने देते हैं, तुम जानती हो। कब तक ये ख्याली पुलाव बनाती रहेंगी? तुम क्यों सन्नी खाला के इतने खिलाफ हो रही हो? क्योंकि वो गलत है। Are you serious? Yes. मेहर, तुम कभी अपनी फेरी टेल दुनिया से निकलकर हमारी रियल दुनिया में आओगी ना, तो पता चलेगा खुशियाँ और इंसाफ मिलते नहीं है, दोनों हाथों से छीनने पड़ते हैं। खाला अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रही है जन्नत। We don't know that, मेहर। अब प्लीज अम्मी को इसके बारे में मत बताना, तुम जानती हो खाला को लेकर अपसेट हो जाती हैं। और ये अखबार छिपा देना।
दूध कम आया और दही तो खट्टा जहर। रो के दिखा। प्लीज मेरा साथ, थैंक यू। आज कमबख्त अखबार भी नहीं आया। अगर अली भाई ने पूरे महीने का बिल दिया ना तो अपने हाथों से उनका सर मुंड दूंगी। खौर। किससे कोस रही है शगुफी? सलाम वालेकुम अब्बू, अपना ख्याल रख रहे हैं ना? अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, 2000 रुपए में मैं पूरे महीने का राशन कहाँ से लाऊंगी? अम्मी आप मुझसे ले लें। नहीं जन्नत जान, आपकी लिखाई आपकी कमाई है, हरगिज नहीं। अम्मी कोई बात नहीं, मैं दुकानदार से थोड़ा थोड़ा करके उधार ले लूंगी। हरगिज नहीं। गुड मॉर्निंग खाला। आप जानती हैं, आपकी बहनों को देख के यकीन हो जाता है हम वाकई बंदरों से आए हैं। अगर एनिमल प्लैनेट को इनके बारे में खबर मिल जाए ना, हम माला माल हो जाएंगे। फातिमा बाजी, बिल्कुल नहीं, वापस करिए अभी, फौरन, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? शगो भी, आप दफा हो जाएं। सही कह रही हो तुम, दो बहनों की लड़ाई में मैं बुढ़िया अपनी टांग क्यों अड़ाऊं? फतो, ओफो, माफिया, मियां साहब की कुर्सी पे बैठने की जुर्रत कैसे कर दी हमने? कोई खबर उनकी? दो हफ्ते से तो बिल्कुल सन्नाटा है। वहां बर्फ जमी हुई है राबू, आप फिक्र मत करिए, वो बिल्कुल महफूज होंगे, मुझे पूरा यकीन है। इंशाल्लाह। लानत है, इतने खूबसूरत लंबे बाल कटवा दिए, और ये ढीले झबले ही पहनने थे तो पश्मीना क्यों नहीं? ये नाक, नक्शा, कद सुपर मॉडल हो सकती थी। अम्मी, अमल ने मेरे सास के तार तोड़ दिए। मैचिंग मैचिंग बेब्स, टूटे हुए सर्स के लिए टूटे हुए तार्स। जैसे अमल का टूटा हुआ दिमाग। सर चिज़े, यू आर चिज़े। अमल, इनका सास कौन जोड़ेगा? आपने इसका सास देखा है? मैं क्या करूँ अगर इसके 80 किलो उस पर गिर गए तो? तो पुश किसने किया? खाला, आप कितनी गॉर्जियस लग रही हैं। हाउ इज डैली? न्यू हेयर कलर्स, ब्राउन या हेज़ल? वाओ, पराठा, मूली का पराठा या आलू का पराठा? शट अप। चार फैशन मैगजीन्स पढ़ने से कोई अमल से अमाल नहीं बन जाता। जॉर्ज क्लूनी तुम्हें थूकेगा भी नहीं, क्योंकि वो और अमेजिंग चीजें करेगा। ग्रॉस। आई नो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेहर जान। सलाम वालेकुम खाला, दिल्ली से कब आई? बस कल रात ही। कैसा रहा? सुना है वहाँ काफी हाई फाई सियासती पार्टीज होती हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं था। तो कल अकील की शादी में क्या पहन रहे हैं सब? मेरा अमेजिंग वॉलेट लहंगा देखे ना, लोग अपनी आंखें नोच लेंगे। पहले अपने कान नोच लेंगे। वियोलेट, रेड, पर्पल, येलो। आप मैरून भूल गई। येलो। अखबार मिल गया। जी शुक्र है। गुप्ता, मैं ये नहीं खा सकती, मुझे बानू की तरह मोटा नहीं होना। वो अपनी बीवी को कभी तलाक नहीं देंगे।
मुझे उस कागजी चीज से कोई मतलब नहीं है। सलमान मुझसे बेशुमार मोहब्बत करते हैं और मेरे लिए वो काफी है। और हमारा खानदान जो एक बेहुदा मजाक बनने वाला है, इसकी फिक्र है आपको कि लोग क्या कहेंगे? मेरे जज्बात की कोई कदर नहीं? फत तो कदर है, इसीलिए तो मैं आपको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है। राबू, मैं उनसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो डरती हूँ। आप बेफिक्र रहिए राबू। फद्दू, जब ये खत्म होगा, जो कि यकीनन होगा, तो आप जलील होंगे। उनकी बेगम, उनकी शादी, उनका ओहदा वैसे कि वैसे ही बरकरार रहेगा। सलमान ऐसा नहीं होने देंगे। ये आप नहीं जानती। आप मेरी बात समझने की कोशिश। ठीक है, आप मेरी सिर्फ ये बात मान लीजिए, कल अकील के निकाह में आप प्लीज शरीक मत होइए। क्यों? क्योंकि सलमान वहां अपनी बेगम के साथ जरूर आएंगे, और आप ये भूल रही हैं कि दुल्हन सलमान की बेगम की भांजी है। नाश्ता ठंडा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम गुलाम अंकल। वालेकुम अस्सलाम जन्नत। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र है। आपके अब्बू जान और हमारे अजीज डॉक्टर कर्नल की क्या खबर है? अभी मौसम ठीक नहीं है, पर अब्बू भी कमजोर नहीं है। हम सब उनकी सेहत, उनके हौसले और उनकी वापसी की दुआ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो वापस आएंगे, जल्द वापस आएंगे इंशाल्लाह, जैसे हमारे ताबिश आ गए। या वी नोटिस्ड, आई लाइक योर हेयरडू, देखो नाक से कैसे झांक रहे हैं। अरे भाई, तुम लोग जाओ जाओ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, इस बूढ़े पर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? गो गो एंड एंजॉय। नहीं अंकल, एक्चुअली मुझे आपसे 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में बात करनी थी। वाह, आप कौन सा खुराफाती आर्टिकल लिखने वाली हैं आप? अंकल आई प्रॉमिस, दिस वन्स ओनली फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगले हफ्ते मिलिएगा, हम बात करेंगे। जरूर। सो नाउ आई अंडरस्टैंड, यू वांट टू हैंग विद मी सो यू कैन हैंग विद दादा जान। यप। हां, बिच। आई हैव बीन कॉल्ड वर्स। लाइक योर फ्रेंड। डेफिनेटली अ बिच। हाय मायरा। ताबिश, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अच्छी लग रही हो। अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो निकाह के पाक बंधन को तोड़े, जिन्हें अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया है। आदम भी सोचते थे काश मेरे साथ कोई होता। अकील मियाँ, आपको अर्शे नूर खान का नफ्स नफस कबूल है? उधर आपको कबूल है? जी कबूल है। आमीन। सलमान, अम्मी खाला क्यों कर रही हैं ये? अल्लाह, अम्मी इसीलिए कश्मीर का ये हाल है, घर संभाल नहीं पा रहे हैं, कौम क्या संभालेंगे? जी जनाब। आप क्या कहेंगे? जनाब, इनका खुद का तो कोई घर परिवार है नहीं, दूसरों का घर तो तबाह करेंगे। आपको बच्चियां बुला रही हैं सर, आइए। कुछ औरतें ऐशो आराम की जिंदगी पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। एकदम सही फरमाया आपने। फत्तो, हमारे साथ भी रहिए ना थोड़े वक्त। खाला, आप ये यहाँ क्या कर रही हैं? खाला, मुझे इस दावत पे बुलाया गया है, मुझे यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है।
खुश वापस आ गई यहाँ। तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। बेहूदगी की भी हद होती है, वाकई यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मिसेस पेक, आप एकदम सही कह रही हैं। हिमाकत तो देखो, शर्म से मर जाना चाहिए। चलो, और तो और आपके शौहर के पीछे पीछे इस निकाह तक चली आई, बेहुदा औरत। ये लोग खाला के बारे में बात कर रहे थे ना? Forget it. Sorry. Not at all. माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए, वरना आपकी फैमिली के रास्ते में आने की सजा हमें भी मिल सकती है। हर चीजों पे कब्जा करने की आदत जो है आपकी। बेशक माफी मांगी है, गैरों के प्राइवेट मामलों में दखल देने की बेहुदा आदत जो है आपकी। Excuse me. Excused. Ridiculous. कौन है? खड़ूस। This is so embarrassing. क्या हुआ? सब खाला के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, और एक बदतमीज आदमी ने तो हमारी पूरी फैमिली को लेबल कर दिया। Can you believe it? That's so typical. औरत को ब्लेम करो, आदमी तो बेचारा है, औरत के जहरीले पंजों से कैसे बचेगा? Yeah, but men are stupid like that. Men will be men. और औरतों को खुद ये बात समझनी चाहिए कि उनकी अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। मेहर, ये कैसा बकवास तकियानुसी ख्याल है? खाला इज इन लव। खाक लव। वो आदमी ना उन्हें पब्लिकली एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा है। ये कैसा वाहियात प्यार है? दैट इज द पॉइंट। कैसा वाहियात आदमी अपने प्यार को ऐसे सबके सामने जलील करेगा? मेरा मन कर रहा है उसको सबके सामने नंगा करके कोड़े मारूं। ओह, किकी। एज यूजुअल ना जन्नत, You're just arguing for the sake of it. तुम्हारी real world में भी ना एक society है, जिसमें खाला की जो बची कुची इज्जत है, उसकी मिट्टी पलीत हो रही है। मेहर, you are the society. तुम भी खाला को blame कर रही हो। तुम में और उस आदमी में क्या फर्क है? Have you ever been in love? Have you? हाँ। And I don't think it's stupid to love something that seems impossible. So please उन्हें जज करना बंद करो। जन्नत, मैं उन्हें जज नहीं कर रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ। जो कि इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो मत करो। नहीं कर रही, जा रही हूँ। मिर्ज़ा, यू नो ना, लविंग कश्मीर इज नॉट द सेम एज लविंग अ डूड, एटलीस्ट अ मैरिड डूड। अजी, लव इज लव, और डरपोक प्यार नहीं करते। इंटरेस्टिंग। तो एक काम करते हैं ना, तुम और मैं ना शादी कर लेते हैं, उसके बाद आई विल हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हमें खाला की सिचुएशन का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और तुझे एक नए आर्टिकल का आइडिया। तुम्हें पता है, आजी अफेयर के लिए बहुत काम करना पड़ता है। तुम वोडका पीकर काम चलाओ, ठीक है? ठीक है। इडियट। ओए! वैसे कमाल है साहब, आते ही हेडलाइंस बन गई हैं आप। आप तो बहुत खुश होंगे, ऑपोजिशन जो ठहरे वो अपने ही मैल में मिटे जा रहे हैं। मैल कहाँ? आपने अगर उनमें कुछ देखा है तो यकीनन कुछ ना कुछ तो काबिल तारीफ होगा ही ना। Always the gentleman, गुलाम साहब। अपना ख्याल रखिएगा। क्या हुआ? क्या कह रहे थे गुलाम साहब? हमदर्दी जता रहे थे। He's such a gentleman. जब हमारी फैक्ट्री जल के खाक हो गई थी, बस एक यही थे जो हमारे साथ खड़े रहे, और खुदा ने चाहा तो जन्नत और ताबिश इस दोस्ती को रिश्तेदारी में भी बदल देंगे। I'm not sure, फातिमा, जन्नत की हरकतों का कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, एक बात बताओ, तुम ताबिश को अजी और तुम जन्नत को मिर्जा क्यों बुलाते हो? क्यों? सरनेम आजाद है तो आजी, और इसका नाम तो जन्नुम होना चाहिए था, क्योंकि ना तो ये जन्नत है ना जान, इसलिए मिर्जा। ठीक है, जस्ट वन सेकंड, आई विल बी बैक। सारी प्लास्टिक सर्जरी है, आई मीन कोई भी रियल नहीं है। अच्छा, हां, टेल मी द ट्रुथ। मम्मी बुला रही हैं, चलें। व्हाई शी बुलाविंग? इफ आई सेड शी इज बुलाविंग, शी इज बुलाविंग। बाय बॉयज। बाय अमल। इसका नाम अमल है। कुछ घंटों के लिए सेंटरपीस ना बन के लड़कों से दूर रहोगी तो मर नहीं जाओगी। खाला की वजह से ऑलरेडी इतनी टेंशन है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? प्लीज, तुम अपने आप से बोर नहीं हो जाती?
मैं तुम्हारी तरह ना अकेले मरने की प्लानिंग नहीं कर रही। तुम पहले हम सबको एम्बैरेसमेंट से मार दोगी, फिर किसी अमेजिंग एसटीडी से मर जाओगी। फोन कॉल से कौन मरता है? एसटीडी बीमारी होती है, यू इडियट। फोन कॉल? नो, एसटीडी स्ट्रेट टू डेथ। योर डेथ। कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे खड़ी रहो। हाय बॉयज। अगर हमारा बैंड यहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता ना, तो हम इस तरह बोर नहीं होते। जब लड़कियों को निकाह में परफॉर्म करना अलाउड होगा ना, तब देखेंगे। न जाने हम जिंदा भी रहेंगे वो दिन देखने के लिए। एक्चुअली फातिमा, बस कीजिए। बानो बेटा, आप अपने वक्त से बहुत आगे। यू ब्लडी होर। लेकिन इस वक्त बेहतर यही होगा कि आप सब यहां से। आइए, हम आप लोगों को छोड़ देंगे। फिर प्यार ने वही किया, एक दिल तोड़ा, रुलाया और बेइज्जत किया। आज जब जन्नत ने पूछा तो मैं कुछ नहीं कह पाई, पर प्यार करने के इस अंजाम से मैं गुजर चुकी हूं। ये कैसी जबान है, बस साथ कहीं के। मेरा घर। कितना खाली वक्त है इन लोगों के पास। कामिल भाई और आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने खुश भी। ऐसा लगता नहीं कि 17 साल हो गए। एंड आई कांट बिलीव हमारी सोसाइटी इतनी शोविनिस्टिक और हिपोक्रिटिकल हो सकती है। आप लड़े खाला, आई एम विद यू। थैंक यू जन्नत जान, सलमान सब ठीक कर देंगे। उस शख्स का नाम भी मत लें। अरे अगर उसमें जरा सी भी शराफत होती ना, तो मेरी बहन यहाँ अकेले भेड़ियों के बीच में लड़ नहीं रही होती। उन्हें पता तक नहीं है राबिया, मुझे उन्हें फौरन फोन करना चाहिए। जैसे उन्होंने आपकी पिछली 50 फोन कॉल्स का जवाब दिया, वो और उनका प्यार दोनों झूठे हैं। खाला, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। वी ऑल आर विद यू। पोटेंशियल कॉसेस ऑफ पोटेंशियल कॉसेस ऑफ नियोनेटल एपनिया। आपका वहां रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, खुदा के लिए अब आप यहीं रहिए। नहीं रापो, चार बच्चियों के मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ, बस बात खत्म। Potential causes of neonatal apnea in respiratory system are pneumonia, obstructive airway lesions and atelectasis. चलिए आइए, अब नाश्ता कर लीजिए। कोई नहीं कह सकता कि आप चार बच्चियों की माँ हैं। चलिए, जल्दी निकाह होने का एक तो फायदा हुआ। कौन रो रहा है? ओ, तुम रोने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बिल्कुल नहीं हो। ओह हेलो, आई एम रेडी कॉज अ विनर एटीट्यूड। अच्छा अमर, एटीट्यूड की स्पेलिंग बताना।
अच्छा स्पेलिंग की स्पेलिंग बता लो। BIT च। अम्मी। अमल, आपको इस खाने के हर एक लुक्मे का शुक्रगुजार होना चाहिए। सॉरी अम्मी। शुक्रगुजार इज ग्रैटिट्यूड इन योर फॉर्टिट्यूड। लड़कियों, अरे नाश्ता। नहीं अम्मी, आई एम टू नर्वस, उल्टी कर दूंगी। ऑल द बेस्ट। अरे मेहर, मेहर रुकिए, मेहर रुकिए। अम्मी ये नौकरी इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगी। जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू, बाय अम्मी। ये इम्तिहान नहीं है। आप जो इंटरव्यू से पहले किताबों में घुसा रहे वो कैंडिडेट नहीं, स्टूडेंट होता है। और जो हर वक्त गैरों के मामलात में घुसा रहे वो पहुंचा हुआ दखल अंदाज होता है। एक्सक्यूज मी, चाहती हैं आप? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। I need to meet you. सिर्फ एक बार, और फिर आप इस तरह से फोन करना बंद करेंगी। सलमान, प्लीज। मैं थर्सडे को श्रीनगर जा रहा हूँ, वहां का एड्रेस भेज दूंगा। ठीक है। और हाँ, इस बारे में किसी से कोई जिक्र मत करना। हाँ का। वारसी जी, यूनुस। आई एम। जिया आइए। मेहरुन्निसा मिर्जा, चलिए। आइए। सर, आपकी लास्ट कैंडिडेट। आई एम सॉरी, इमरजेंसी, मुझे जाना होगा। प्लीज कम बैक नेक्स्ट थर्सडे। सिस्टर, मेरा कैबिन लॉक कर दीजिए। यस सर। Are you sure वो अकील के निकाह वाले हैं? पता नहीं हमारी फैमिली से क्या प्रॉब्लम है। Obviously खाला की वजह से ही है। Stop it, मेहर। चुप। हर कोई कश्मीर की ख्वाहिशों को इग्नोर कर रहा है, जैसे कश्मीरी मर्द कश्मीरी औरतों की ख्वाहिशों को। ये हमारी सोसाइटी का पैटर्न है, so stop blaming खाला। सारे मर्द नहीं, एक कश्मीरी मर्द ऐसा है। Stop generalizing जन्नत। पूरा कश्मीर तुम्हारी तरह लड़ाई नहीं, कुछ एक्चुअल काम करना चाहता है। ओके okay? कर लो खुद काम। कौन है? मेरे पास गन है। हाय मायरा। जन्नत दीदी यहाँ नहीं है। Nice gun. मैं बस प्रैक्टिस कर रही थी। देखो, अपनी सबसे प्रेशर चीज से ना किसको घायल मत कर देना। You'll break it. How do you know? ये मेरी सबसे प्रेशर चीज है। क्योंकि तुम इससे चिपकी रहती हो। Come sit. By the way, टूटा कैसे? अमल। ये अब्बू की कुर्सी है, गेट आउट।
अस्सलाम वालेकुम अबू। और ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं जहाँ मर्दों के लिए वाजवान बनाते रहे। तुम जैसे मर्दों की वजह से पूरे कश्मीर का नाम तबाह हो रहा है। एक शोविनिस्टिक आदमी हमारी पूरी फैमिली को जज कर रहा है जस्ट बिकॉज खाला इज इन लव विद बेग साहब। बेग साहब उसको ना इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, इज एन ए ग्रेड चूतिया, सिंपल। व्हाट डू यू मीन? द डूड्स अ प्लेयर। अजी इफ यू जोकिंग अबाउट दिस वन, मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। दादा जान से पूछ ले, वो भी यही कह रहे थे, ही जस्ट यूजिंग खाला। और वैसे भी एवरीबडी नोज ही स्पेंड्स मोर टाइम चेजिंग स्कर्ट देन इन द पार्लियामेंट, एंड नाउ ही वॉन्ट्स टू गो नेशनल। दिल्ली पहुंच भी गया तो कश्मीर के लिए खाक उखाड़ेगा। ही इज जस्ट अ ग्रीडी फकर। मिर्जा यू आर क्वाइट। कोई मरने वाला है क्या? मारने में वो मजा नहीं है जो टॉर्चर करने में है। मिर्जा मिर्जा कहाँ? मिर्जा दादा जान अब क्या करूं? मिर्जा यार आई नो द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड एंड शिट, बट प्लीज 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 ये मत कर यार। या कज ही इज पावरफुल एंड हैज अ पेनिस, डज दैट मीन आई एम नथिंग? आई थिंक योर्स इज बिगर। लिसन मैं मजाक कर रहा हूं, पर तू दादा जान की रिसर्च को ट्रस्ट नहीं कर सकती है। अरे ही इज द ऑपोजिशन फॉर फक्स सेक। अच्छा बेटा लेट मी रीड इट। तेरा दिमाग खराब है, ये क्या लिखा है? अजी डिलीट क्यों किया? Are you mad? मिर्जा मेरी बात। Don't you ever touch my laptop again. मिर्जा I'm just trying to save you. From what? अजी मैं बचना नहीं चाहती हूँ। I want to talk. I need to talk. बहुत हो गई बंद दरवाजों के पीछे दबी हुई आवाजों में बातें। This is the irony we live in. पूरी दुनिया कश्मीर को इग्नोर कर रही है, जैसे कश्मीरी मर्द कश्मीरी औरतों की ख्वाहिशों को। मेरी खुद की बहन हमारी खाला को जज कर रही है फॉर बीइंग इन लव। तुम मुझे किससे बचा रहे हो? मिर्जा मैं बस ये कह रहा था कि जो तू लिख रही है ना वो एक मिर्जा मिर्जा अच्छा आई एम सॉरी। Neonates born meconium stained, in mouth meconium present, heart rate 80, no breathing. Immediate management would be? The pediatrician present will first attempt to clear a... 2-year-old child presented with vomiting and pain. Swelling at inguinal region, most likely diagnosis is? Well, we would first attempt to conduct a full examination on the patient. 8-month-old child, abdominal mass crossing midline. X-rays show calcification. Under the circumstances... Child with a history of group 4 days back not presented with collapsed PR interval, increased and muffled heart sounds. Why? Emergency situations mein doctors kitabi nuske nahi apne instincts par bharosa karte hain. Agar shaadi aur partyon mein kam waqt zaya karti to ye interview itni jaldi khatam nahi hota. You may go. One incubation and suction, 2 inca-crated inguinal swelling, 3 neuroblastoma and 4 diphtheria. कल सुबह 8 बजे ऑफिस में रिपोर्ट करिए, as the first year pediatric intern. जी नहीं, शुक्रिया. तो मेरा वक्त जाया करने की वजह जान सकता हूँ? आपने मुझे अपने instincts में, अपने presumption से judge किया. आप मुझे मौका नहीं दे रहे थे, you were only making a point. वक्त आपने मेरा जाया किया है, Dr. Rizvi. रुकिए, रुकिए, रुकिए प्लीज। आपको लगता है आप मुझे और मेरी फैमिली को जानते हैं,
वो राय एक प्रिजम्पशन है बेस्ड ऑन पब्लिक फैक्ट्स। अनदर प्रिजम्पशन, आप पेशे से जरूर डॉक्टर हैं, पर फितरत से जज हैं। हमारी शख्सियत हमारे पेशे से नहीं, हमारी मोरालिटी से बनती है मिस मिर्जा। इसलिए आपने झूठ का सहारा लिया। उस दिन लिस्ट अल्फाबेटिकली जा रही थी, फिर भी आपने मुझे आखिर में बुलाया इंटरव्यू पोस्टपोन करने के लिए। आप अनप्रिपेयर्ड लग रही थी। क्योंकि डॉक्टर रिज्वी मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे थे, जज रिज्वी मुझे सजा दे रहे थे। डॉक्टर्स अनप्रिपेयर्ड नहीं हो सकते। एरोगेंट हो सकते हैं। मेरी फैमिली पिछले 40 साल से यह हॉस्पिटल चला रही है, 10 साल से मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। ये एरोगेंस नहीं, तजुर्बा है मिस मिर्जा। जो कभी कमजोरियां गलत तो हो ही नहीं सकता। Are you God, Dr. Rizvi? Sometimes I am. जब माँ बाप भी उम्मीद छोड़ देते हैं तब वो एक डॉक्टर होता है जो एक महीने के बच्चे को मौत के मुंह से बाहर खींच लाता है। मौत को आपकी ईगो नहीं, उस बच्चे के जीने की हिम्मत मात देती है डॉक्टर Rizvi। And how do you know कि उसमें हम डॉक्टर्स का कोई हाथ नहीं होता मिस मिर्जा? It's a presumption, Dr. Rizvi, जो आपके लिए सब कुछ है। डॉक्टर, ICU, head trauma, बच्चा अभी भी बेहोश है। चलिए मिस मिर्जा। डॉक्टर मिर्जा, क्या बात है लवली। वाव रफू, मैंने ना अपने सारे फ्रेंड्स को तुम्हारे बारे में बता दिया। बट आई हैव टेल देम कि तुम सबको डिस्काउंट्स नहीं दे सकते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ओके। आई थॉट डिस्काउंट सिर्फ मेरे लिए है, मैं स्पेशल नहीं हूँ। हाँ अशिट्स, मैं ना अपना पार्स लाना ही भूल गई। घर की बात है अमाल, जब चाहे दे देना। ओह शिट्स, मुझे जाना है, इमरजेंसी है, प्लीज घर पर फोटो भिजवा देना। क्या हुआ? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी, प्लीज। ओके बाय। Are you joining us? जी। Good. अगर जरूरी है तो ले लीजिए। नहीं, it's not that important, doctor. अपने details और credentials की photocopies admin के पास submit कर दीजिए। Yes, doctor. फोन करने वाले के लिए जरूरी लग रहा है। Please take it. उठा ले यार। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुमने कितनी बार कहा है? मैंने बार बार ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे फोन करना बंद करो। मैं अपने काम से फारिग नहीं हुआ हूँ, जल्दी कहिए।
आप जानती है ना इस तरह मिलने में कितना खतरा है? खतरा हमारे घर तक पहुंच चुका है। आप दुनिया को बता क्यों नहीं देते जो हमारे बीच है वो बिल्कुल पाक है, कोई बेहुदा अफेयर नहीं। और फिर शादी? बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप। देखिए, आप इस बात को ना अपने सहन में डाल लीजिए। आपके लिए मैं अपनी बेगम, अपना रुतबा, अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगाने वाला। और खतरा आपके घर तक नहीं, खतरा आपके घर के अंदर है फातिमा। ये अफेयर आपकी भांजी की बदौलत बेहुदगी में तब्दील हुआ है। आई एम द डिप्टी सीएम फातिमा। कश्मीर में हर जर्नलिस्ट, हर ब्लॉक की खबर मुझे मिलती है। उससे कहो कि अपना तखल्लुस बदल ले, वरना इस कारनामे का अंजाम ना उसके लिए अच्छा होगा ना आपके। चलिए मैडम। कौन टॉक करता है? जरूरी कॉल था। मिल गई मुझे। क्या? किस लिए फोन कर रही थी? जन्नत की करतूत बताने के लिए। बहुत बड़ा मसला कर दिया उन्होंने। क्या किया? जन्नत! जन्नत! फातिमा? खाला? जन्नत कहाँ है? क्या हुआ खाला? ये क्या किया तुमने? मैंने सच लिखा है। अब हमारे नहीं, उनके आंसू बहेंगे। ऐसे दो कौड़ी के आर्टिकल्स तवज्जो देने लायक नहीं है। पर मिर्जा नाम की जर्नलिस्ट ने काफी सनसनी मचा दी है। जनाब, अगर आप एक कुत्ते को कंप्यूटर दे दे तो क्या वो जर्नलिस्ट बन जाएगा? पर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? अफसाना, चीप फिक्शन। खाला और मत देखें प्लीज। ये सारी बातें बेबुनियाद है, बेतुकी। मतलब आज की तारीख में कोई भी किसी के भी ऊपर कीचड़ उछाल देगा। खाला प्लीज मेरी बात मान ले। बहुत मान लिया आपकी बात जन्नत जान। मुझे लगता था कोई और होना हो, आप मुझे समझती हैं। उनसे कहीं ज्यादा आपकी बेवफाई चुभी है हमें। खाला, कुछ चीजें हम सबसे बढ़कर हैं। लॉयल्टी से बढ़कर क्या हो सकता है? एग्जैक्टली खाला, हमारे सपने, हमारी खुशियाँ, हमारा वजूद, ये सब बेमतलब है अगर हमारा घर मुकम्मल नहीं है। ये सब मैंने कश्मीर के लिए किया है, हम सबके लिए किया है। प्लीज दिल्ली मत जाएं। अम्मी प्लीज इन्हें रोकें। जैसे आपने अपना रास्ता चुना है, वैसे फातिमा भी अपना रास्ता चुनेगी। खाला, जन्नत बस करो, ये उनका फैसला है। What do you mean? तुम चाहती हो ये वापस उनके पास जाएं? क्यों? तुमने तो कहा था, It's not stupid to believe in the impossible. I was wrong. खाला, you can't just say I was wrong, जन्नत। एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर करने का कोई अंजाम होता है, एक प्रोवोकेटिव ब्लॉग लिखने का अंजाम होता है। These things have consequences, जिसकी लपेट में आज एक पूरा खानदान आ रहा है। पब्लिक ह्यूमिलिएशन, ताने, दीवारों पर वैशी गालियां, ये सब काफी नहीं था तुम्हारे लिए? तुमने तब हमारे बारे में नहीं सोचा, तो अब जो किया है उसकी जिम्मेदारी लो ना, जैसे खाला ले रही है।
as she should. खाला, पहुंच के फोन कीजिएगा. अरे एक दूसरे का लिहाज नहीं कर सकते तो कम से कम अपने अब्बू का तो लिहाज करें. क्या सोचेंगे वो? प्लीज मुझे छोड़िए. अब मैं खाला के नहीं सलमान बेग के खिलाफ हूँ. आप ये कैसे भूल गई कि इस मसले में फातिमा और बेग साहब जुड़े हुए हैं? सब ठीक है? दवाई टाइम पे दीजिए. फोर ईयर ओल्ड, लैसरेशन टू द स्कल कॉज्ड बाय स्टोन पेल्टिंग. स्कैन शोज अ लीनियर स्कल फ्रैक्चर. व्हाट डज दैट मीन? सर, इट मींस देयर इज अ ब्रेक इन द बोन, बट द बोन हैड नॉट मूव्ड. एंड द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट वुड बी डॉक्टर मिर्ज़ा? ऑब्जर्वेशन फॉर 4 डेज. 4 दिन. हमें बेड्स की जरूरत है. 48 घंटे मैक्सिमम. लेट्स मूव. आप रो क्यों रहे हैं? डरिए मत. आप बस 2 दिन में जल्दी से ठीक होकर घर चले जाएंगे. फिर हमें आपके लिए खीर बनाएगी. आपके दोस्त खेलने आएंगे. डॉक्टर मिर्ज़ा यहाँ आइए. प्रॉमिस. डॉक्टर मिर्ज़ा, कोई मुझे बता सकता है कि डॉक्टर मिर्ज़ा क्या गलती कर रही थी? हम यहाँ दोस्तों को नहीं, पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं. दिल से नहीं, दिमाग से, विद ऑब्जेक्टिविटी. हम उनके दोस्त, माँ बाप या मौलवी नहीं, उनके डॉक्टर हैं. यस यस डॉक्टर रिज़वी. मूव ऑन. कहाँ डॉक्टर रिज़वी के इंटर्न बन गए यार. बस 15 मिनट मिलते हैं पूरे दिन में लंच ब्रेक के लिए. हाँ सच में. तुम्हें पता है खड़ूस के बारे में गॉसिप है? कुछ सीनियर्स बोल रहे थे कि वो हमेशा से ऐसे नहीं थे. ही वॉज वेरी कूल एंड चिल वंस. इनफैक्ट डरना तो छोड़ो, दे यूज टू कंसिडर हिम द बेस्ट बॉस. फिर क्या हुआ? उनकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था. खड़ूस को छोड़ के भाग गई. खड़ूस और अपनी बच्ची को छोड़ के उड़न छू. 1 साल हो गया है, किसी ने उनको नहीं देखा. कहीं उस खड़ूस ने मार तो नहीं दिया उसे? किसी को उनकी बॉडी मिली? थिंक अबाउट इट. एक सर्जन ही इतनी सफाई से किसी को मार के बॉडी को काट के गायब कर सकता है. सब लोग ना नाइट शिफ्ट में संभल के काम करना. अगर किसी को कोई आवाज़ सुनाई दी तो. ए यूसुफ मियां, कितनी प्लेटें तोड़ोगे आप? लगता है आपकी तनख्वाह से पैसे काटने ही पड़ेंगे. Can I help you with something? मैं टिश्यू ले रही थी और सॉरी. आई एम सो सॉरी. टिश्यू? ओ या या, थैंक यू. ऑल गुड? अच्छी किताब है आपके पढ़ने के लिए, अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस के बारे में. फॉर एग्जांपल, किस तरह से पेशेंट्स के साथ दोस्ती करके डॉक्टर्स गलत फैसले लेने लगते हैं.
लोग मर भी जाते हैं। नेचुरल या एक्सटर्नल कॉजेस है? डॉक्टर्स की गलती नेचुरल कॉज नहीं डॉक्टर मिर्जा, अनएथिकल प्रैक्टिस है। यू मीन पेशेंट मर सकता है? मैं और किसकी बात कर रहा हूँ डॉक्टर मिर्जा? ऑफ कोर्स। Have you really understood, Dr. Mirza? Yes, Dr. Rizvi. Good. आप ये बुक बोरो करना चाहती हैं? जी, why not? Thank you. जन्नत जान, खाना खा ले। भूख नहीं है। तो अपना मुंह तो ठीक कर ले। खुदा ना खास्ता अगर हवा का रुख बदलाना तो चेहरा ऐसे ही अकड़ जाएगा। आजकल के बच्चे, इनको प्यार से कहो तो कोई सुनता ही नहीं है। भूखे रहने से थोड़ी कोई हल होगा। शग्गो, शग्गो, अमाल घर पे हैं? तुमसे मतलब? मैं उनका दोस्त रफीक मोहन। वो बाहर गई हैं। आप ही उनको दे देंगी? क्या है? उन्होंने मंगाया था कुछ। भूलना मत, दे दीजिएगा। Fucking idiot, Amal. अमल जी। अम्मी, ये सब क्या है? कुछ नहीं अम्मी। आप इन्हें हाथ भी नहीं लगाएंगी? सो इज दिस फॉर जवानी का जुनून या ये रात मेरी बाहों में? कौन से चैनल पे आता है? आया था वो डिलीवर करने। कौन? तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ही इज एटिट्यूड। जवाब दीजिए, ये सब क्या है? कुछ नहीं अम्मी, सिर्फ एक फ्रांडने ली थी। क्यों? हम ऐसे ही क्रेडिबिलिटी ट्राई कर रहे थे। इस मेकअप के साथ, ऐसे कपड़ों में? अम्मी, ये सितारा बनना चाहती हैं। अल्लाह जाने कौन सी फिल्मों की चल रही हो तुम कमीनी। आप 17 साल की हैं। कल से आपके इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। आपके अब्बू किसी बर्फीली बियाबान जगह पर लोगों का इलाज करके हमें जिंदा रख रहे हैं। यहाँ आए दिन कर्फ्यू लगते रहते हैं, बच्चे गुमशुदा हो रहे हैं, लोगों के घर बार बिखरे जा रहे हैं। और आप ये कर रही हैं? अगर आपके अब्बू ये देखेंगे तो शायद वो नहीं। आज से सिर्फ आप अपने स्कूल जाएंगी इम्तिहान देने के लिए। वापस घर आकर आप अगले दिन के इम्तिहान की तैयारी करेंगी। दोस्त, बाहर जाना और फिजूल बातें सब बंद। पर अम्मी। खामोश! मेहर, मुझे ये सारी की सारी तस्वीरें जली हुई चाहिए। इस तरह की एक भी तस्वीर इस घर में नहीं होनी चाहिए। जी अम्मी। पढ़ाई कर मेरी साक्षी पड़ोसन। साक्षी तो लग रही हो। नो, no.
खाला अब भी फोन नहीं उठा रही हैं। चिल आउट मिर्जा, उठा लेंगी यार। सब मुझसे इतने खफा क्यों हैं? I'm trying to do something meaningful and honest here. इन सबकी लाइफ तो सेट है। किसकी लाइफ सेट है मिर्जा? मेहर को देख लो। She'll get married and have two annoyingly perfect brats like her. और मरते दम तक हॉस्पिटल में काम करेगी। बानो अपने म्यूजिक करियर को फॉलो करेगी। She will marry some European hippie who hates bathing like her. And she will travel the world. Sweet. अमल डेफिनेटली बॉम्बे जाएगी। 50 सर्जरीज और अफेयर्स के बाद किसी अमीर इंसान से निकाह कर लेगी, फिर डिवोर्स ले लेगी एंड विल प्रॉब्ली लिव ऑफ अमेजिंग एलिमनी। हाँ, और तुम मिर्जा से वर्ल्ड फेमस जर्नलिस्ट जन्नत मिर्जा बन जाओगी। विद अ हैंडसम हस्बैंड, टू ब्यूटीफुल लिटिल किड्स, राइट? आई एम नेवर गेटिंग मैरिड, ओनली कैजुअल फ्लिंग्स फॉर मी। मिर्जा, व्हाट अबाउट रोमांस? What is romance? It's just hormones and endorphins telling you to fucking make babies. Romance na? Romance sab kuch hota hai yaar. Tu Kashmir se pyar karti hai na? Usi tarah na? Usi tarah tujhe ek banda pyar karega. Shayad tu bhi use pyar kare. और जब वो होगा ना, तेरा जो दिल है ना, डबल हो जाएगा यार। एंड आई होप तुझे ना ये गंदा वाला प्यार हो जाए यार, कि तू ना, तू इस पागलपन के लिए बनी है। तुझे लंदन में कोई मिल गई है ना? क्या? I knew it. मिर्जा तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? अब तू मुझसे छुपाएगा? Tell me, who she? कोई नहीं है मिर्जा। Who she, tell me now. You just don't get me, dude. Oh, no one gets you like I do. Fucking softy. चल मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहा है जर्सी? थक गया यार जन्नत से, जहन्नुम जा रहा हूँ। मैं भी आ रही हूँ। अजी स्टॉप। डॉक्टर रिजवी, इमरजेंसी है, टू बॉयज ड्राउनिंग केस, कंडीशन क्रिटिकल है। डॉक्टर रिजवी, ही इज चोकिंग, ही इज फ्लैट लाइनिंग। डॉक्टर Perform a tracheotomy immediately. What are you doing, Dr. Mirza? There is no time. Perform the damn procedure now. Dr. Khan, take over. Yes, sir. I should have had a male intern, जो अपना दिल और दिमाग अलग रखना जानते हैं। अगर आप समझते हैं कि औरतें सिर्फ घर और बच्चे संभालना जानती हैं, तो मुझे क्यों हायर किया? मुझे लगा था कि आप उससे ज्यादा काबिल हैं, but clearly I was wrong. ताज्जुब है आप यहाँ एक हफ्ता भी कैसे टिक पाईं? ताज्जुब है आपकी बीवी शादी से पहले कैसे नहीं भाग गई? So sorry, doctor. आपने सुना नहीं, वो भागे नहीं, मैंने उनका कत्ल किया था, बस पकड़ा नहीं गया। Shit. वो भी देख रहे हैं और उनका सीना भी फख्र से दुगना हो रहा है।
यम पैदाइश बहुत बहुत मुबारक ताविश मियां। आज हमारा चांद 23 साल का हो गया। यस। हाँ मियां, वो लंदन जाने का कब तक इरादा है? अब तो तुम्हारा वो सेमेस्टर भी शुरू होने वाला होगा। दादा जान, मैं सोच रहा था कि ये सेमेस्टर यहीं रुक जाऊं। किस मकसद से? वो तैयार नहीं है बुरखुरदार, और आप तो जानते हैं जब तक उनके ख्वाब पूरे नहीं हो जाते वो अपनी नजर करम आप पर नहीं डालेगी। दादा जान, दैट्स व्हाट यू गेट फॉर लविंग ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड इन्फ्यूरिएटिंग। यू कॉल्ड हिम अ शोविनिस्ट? मतलब इनडायरेक्टली कहा। बड़ी, मेरी पूरी लाइफ में आई हैव नेवर बीन प्राउडर ऑफ यू। पर कुछ पर्सनल इल्जाम भी लगाए। जैसे? लाइक ही मे हैव अब्यूज्ड हिज वाइफ। डिड ही? व्हाट अ बास्टर्ड। पता नहीं, पर उनकी वाइफ ने उन्हें 1 साल पहले छोड़ दिया था। आई हैव लॉस्ट माय जॉब ना। जजमेंटल, शोविनिस्ट, फ्रजाइल मेल ईगो, सो या। क्या करूं मैं? सी, इससे पहले वो तुम्हें फायर करे यू क्विट। नहीं जन्नत, हमारे हालात तो देखो, और अबू कितना करेंगे, और हाथ आई नौकरी कैसे गवा दूं मैं? नौकरी तुम्हारे हाथ में नहीं, उस चूतिये के हाथ में है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ इस्तीफा है, दे दो। It looks good on one's resume. Listen, अम्मी को मत बताना प्लीज। Obviously. Listen. You're becoming cool, huh? Ow! अम्मी! Hi, बाहरा। हाय तब जन्नत दीदी तो है ही नहीं यहाँ पे। अरे रुक क्यों गई? दैट वाज ऑसम। नहीं, एक्चुअली मैं बस प्रैक्टिस कर रही थी, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बाहरा, तुम और तुम्हारी सिंगिंग मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और वैसे भी ना, आज मुझे इसकी सख्त जरूरत है। क्यों, क्या हुआ? आज मेरा बर्थडे है यार। दादा जान नहीं होते तो मुझे कोई भी विश नहीं करता। शग्गो ने तो सेवैया की खीर भी नहीं बनाई होगी। सब मेरा बर्थडे भूल गए यार। मुझे याद है। तो विश क्यों नहीं किया? मैंने आपके लिए ना एक गाना लिखा है। सच्ची? तो सुनाओ। नहीं बाहरा, माय बर्थडे माय सॉन्ग। नहीं, तुम बर्थडे बॉय को मना नहीं कर सकती हो। दैट्स अ रूल। सच्ची? इट्स लाइक इलीगल। आप थोड़ा उधर जाओ। इधर? थोड़ा और। हाँ, क्यूट। ठीक है, वहां देखो। ओके। Nothing important. वो ताबिश का बर्थडे था। I forgot. I'm so sorry. Happy birthday. Happy birthday, Aziz. Thank you so much. यौमे पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद ताबिश। खुदा आपकी जिंदगी में ये दिन नौ बहारे इशरत और खुशहाली लेकर आए।
अम्मी प्लीज डिक्शनरी के साथ आज मेरे घर पे पार्टी है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, सो एवरीवन हैज टू कम, अम्मी आपको भी। मुझे तो माफ कीजिए लेकिन ये लोग जरूर आएंगे। एवरीवन एक्सेप्ट अमल। हम्म, 12 कौन है 12 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
तो मेरा नाम जानती हो? Of course. तुम्हें तो सब जानते हैं. क्यों? क्योंकि तुम स्कूल के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो ना. नहीं तो? I'm Amal. हाँ, मैं जानता हूँ. तुमको तो सब जानते हैं. मुझे? क्यों? तुम स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो. Actually ना, people talks anything. But they're right. अब तुम कश्मीर से भी ज्यादा सुंदर हो. तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे जन्नत मिल गई हो. Whatever's. Anyways, मैं सबको बाय कहने आई हूँ. काश हम पहले फ्रांस होते. But all the best. बाय क्यों? क्योंकि मैं डेफिनेटली फेल होने वाली हूँ और फिर मेरे अबू मेरा निकाह करवा देंगे. पता नहीं अगले साल मैं कौन से शहर में होंगी. लेकिन तुम फेल क्यों होंगी? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ ना. नहीं, तुम बहुत स्मार्ट हो. नहीं तोफू, मैं डेफिनेटली फेल होने वाली हूँ. और फिर ना मेरे अब्बू मुझे मारेंगे बैट से. काश मैं तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट होती. डॉक्टर रिजवी, ये मेरा इस्तीफा. अनफॉर्चुनेटली मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी अब. ड्यूटी पे कौन से पेट्रियटिक है? सो डॉक्टर, ओके, मैं बुलाऊं तुम्हें. सो सो गुड मॉर्निंग डॉक्टर मिर्जा. गुड मॉर्निंग डॉक्टर रिजवी. एक सेकेंड ना, मेरा पेन गिर गया था, मिल नहीं रहा. हाँ, मिल गया. पेन. अगर डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैजिशियन जरूर बन सकती हैं आप, और शायद बेटर ही होगा. मॉर्निंग राउंड्स का वक्त हो गया. जी. ऑलवेज वेस्टिंग माई टाइम. You guys are playing at my party tonight. क्या? What? नहीं. मेरे 5,000 अभी और बाकी 5,000 पार्टी के बाद. Cause you guys are awesome and I want to give you your first gig and also cause I'm not a cheap fucker. Sorry. नहीं ताबिश, हम ना. क्या नहीं बनोफी? पर तुम्हारे बैंड का ना कुछ नाम रखना पड़ेगा. Actually we have a name, जश्न. जश्न. I love it. Okay done. तो मेरी गाड़ी तुम्हें 7 बजे पिकअप कर लेगी और रात को छोड़ भी देगी. ताबिश नहीं, ताबिश. सारा स्टॉक आज खत्म कर देंगे. That's the plan.
अगर रेट पड़ गई तो गुलाम अंकल को मुसीबत हो जाएगी। मिर्ज़ा, आओ। Fucking softy. So fucking infuriating. अमल, आप पढ़ाई कर रही हैं ना? हाँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। कुछ पहनने को भी नहीं है। ला सकता हूँ तुम्हारे लिए? A drink or something? मेरे अब्बू को सियाचिन से वापस ला सकते हो? मेरे बॉस के सर पे पत्थर मार के अमनीशा दिला सकते हो? नहीं ना? तो कर क्या सकते हो? I think मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं। Oh, you have friends? अमल! Hi! It's Amal. Sorry, अमाल, वो बुरा मत मानना पर पेमेंट की बात करनी थी। तुमने एक 17 साल की इनोसेंट लड़की का फायदा उठाया, फिर उसकी गंदी गंदी फोटो निकाल के उसकी बड़ी बहन को भेज दी। जन्नत दीदी तुम्हें जेल भिजवा के रहेगी। पर अमाल, वो फोटोज तो तुमने खिंचवाई, मैंने तुम्हें डिस्काउंट भी दिया था। ओ हेलो, देना भी चाहिए था, वरना तुम्हें मुझ जैसा ब्यूटीफुल फेस ना तुम्हारी भद्दी फोटोग्राफी प्रैक्टिस करने नहीं मिलता। वैसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की ना औकात नहीं है तुम्हारी। हाय जन्नत दीदी। कमाल है अमाल है, बड़ी देखो कौन आया। आओ छोड़ो, स्किन बहुत सेंसिटिव है, मार्क्स आ जाएंगे। स्ट्रेस अमल। थैंक्स। अब दीदी मेरा फैशन मत स्पॉइल करो। बैड शीट ना फैशन नहीं होता। ये तुमने सर पे पैसे पहना? हाँ, क्रिएटिव ना। हाय, फिर सर पैर में कंफ्यूज हो गई। लगता है खुदा ने आपके लिए सिर्फ बीच की उंगली बनाई। अमल, इट इज क्रिएटिव जन्नत, यू शुड बी अ फैशन डिजाइनर। रियली? वाओ वाओ। अम्मी की भी मदद हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो अब कोई नौकरी देगा नहीं। क्यों, व्हाट हैपेंड टू योर नौकरी? बड़ी, इसे और आइडियाज देने की जरूरत नहीं है। अम्मी को पता लग गया तो इसकी खैर नहीं। पता लगा तो ना, क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हें घर छोड़ूंगी। नहीं, इट्स रिस्की। अम्मी ना दरवाजे की हर चू से वाकिफ है, उठ गई ना तो तुम दोनों की खैर नहीं, हमें भी घर वापस आना पड़ेगा। हाँ, और तुम यहीं बैठी रहो, इस चद्दर में जुलूस निकालने की जरूरत नहीं है। But the boys are waiting. अमल! जन्नत, जाने दो। कोई तो है जो जिंदगी की तकलीफों से आजाद है। बड़ी, तुम उसे लेकर घर जाओ, वहां ना अपनी नौकरी का मातम भी मना लेना। Have you quit? मैं तो लाइफ से क्विट करना चाहती हूँ। मुझे खानदान में मीना कुमारी की आत्मा आ गई है। फिर क्या हुआ? Happy birthday, आजी। Wow. Cool dress, अमल। It's अमल। ओए। Can I tell you something? कि तुम जन्नत से प्यार करते हो। सब जानते हैं तुम्हारी ये बदनसीब रोमांटिक कहानी, जहाँ तुम रोमांटिक हो और वो तुम्हें अमेजिंग इग्नोर मारती है।
आई थिंक मैं अंदर से मर चुकी हूँ। खालिद, कुछ फील नहीं होता है। जीरो इमोशन, जीरो जीरो। भूख भी मर गई है। सैलेड? मैं ये मिर्ची खाने वाली हूँ अभी। वॉच। मैं, मुझे कोई बुला रहा है। वॉच, लुक एट मी। अपने बेस्ट फ्रेंड से इश्क हो गया यार। बेस्ट फ्रेंड चाहिए तो कुत्ता पाल लो। मतलब शी इज अ बिच, यू नो व्हाट आई मीन। ओए, तुम मेरी मदद करोगी या नहीं अमाल? जाके उसे सब कुछ बता दो। ये लो, this will help. Give this to her. Jao. All the best. Okay. मैं आता हूँ, आता हूँ। जन्नत। Oh shit. Hey. अबे यार। मैं घर जा रही हूँ। मैं the side effects of consuming vast amount of raw green chilies is harmful to the internal digestive system. It attacks the gastric mucosa and the mucosa's membrane layer of the stomach. The effects of which may include violent ejections of the stomach's contents. Doctor Behar. This does not explain why your head is spinning and your optical efficiency is diminished and objects are appearing in multiple days. Hallucination is a distortion of a person's prescription of perception. You are not hallucinating, Dr. Mirza. मैं यहां गुलाम साहब से मिलने आया हूं। You are drunk. जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं एक शफील खान शरीफ खानदान की अच्छी लड़की हूँ। जी बिल्कुल, सब जानते हैं कि आपका खानदान कितना शरीफ है। उन्होंने अबू की फैक्ट्री जला दी। फैक्ट्री? पता है, राइट्स में अबू की उन्होंने दवाइयों की फैक्ट्री जला दी। अबुआ जवानों के जख्म भर रहे हैं और हम भी, हमें किस तरह Are you fine, Dr. Mirza?
क्यों? गरीब लोग शफीर नहीं हो सकते? मैं एक पेडियाट्रिक सर्जन बन सकती थी। आप यहाँ अकेली हैं डॉक्टर मिर्जा? आप कहें तो मैं किसी को बुला दूं। जन्नत, उसे भी दफना दे। वो भी शहीद हो जाए। खाला के प्यार को जैसे शहीद होना पड़। क्योंकि हमारी शराफत तो आपसे थोड़ी कम है, काफी कम है। लेकिन ये आखिरी बार, इसके बाद हमारे खानदान को बेइज्जत किया तो अपनी शफीर नौकरी अपने पास रखी। डॉक्टर मिर्जा डॉक्टर मिर्जा, मैं आपका इस्तीफा रिजेक्ट करता हूं। मैं आपकी रिजेक्शन रिजेक्ट करती हूं। नहीं डॉक्टर मिर्जा, आपकी अम्मी और आपकी बहनों को आपकी आमदनी की जरूरत है, राइट? तो जाइए, जाकर आराम कीजिए। टेक एन एंटी एसिड, hydrate yourself and I will see you at the hospital at sharp 8:30 a.m. Good night, Dr. Mirza. Mirza! आजी, तुमने मेहर को देखा? मिर्जा, आई लव यू। सो बस स्माइल करना। सो ब्यूटीफुल मिर्जा। आजी, तुम्हारा दिमाग खराब है। टू यू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। And I love everybody. Oh. Azi. I'm okay. Azi. Come. Walk straight. Mirzu. Hmm? You know you're my best friend, right? Yes, Azi. You're my best friend too. Mirzu, I'm miserable without you. You look so cute. Yep. Like twins. Eh? Azi, so jao. Ye Baan aur uska band is so awesome, na? Yeah, they are. I'm uploading it. What? Wait. It's gone. Via YouTube to outer space. Happy birthday, Softie. I love you, Mirzu. इसके साथ कोई खत भी आया है? जी नहीं। शुक्रिया।
सुबह जब उंगलियां दर्द कर रही थी ना अम्मी, तब रियलाइज हुआ हम कितने घंटों से परफॉर्म कर रहे थे। मेरी बच्ची कंप्लेन मत कर, बाहर जाना तो नसीब हुआ। सलाम वालेकुम अब्बू। जेल तोड़कर रात को कौन गया, आई मीन गई? मैं पोस्ट बॉक्स गई थी अब्बू का लेटर चेक करने। सिर्फ चादर में? अम्मी ये बकवास कर रही है। अमल, मुझे आपकी सजा बढ़ाने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी, सोच लीजिए। मेहरुनिसा, आपको क्या हुआ है? अम्मी को रात को कुछ खा लिया था या कुछ पी लिया था? अम्मी जूस पिया था। ये बाहर के शरबतों में बहुत मिलावट और बैक्टीरिया होती है। हाँ अम्मी, शरबत में ही मिलावट हुई होगी। Your sister is the coolest dude. कौन सी सिस्टर? बाहरा! अरे? Just come. अरे कुछ खा तो लो। बाद में। ये क्या था? अब तो मैं भी confused हूँ। ताबिश, क्या हुआ? ये हुआ। ये क्या है? तुम्हारा वीडियो। मेरा वीडियो? जस्ट लाइक अ परफॉर्मेंस मेरे बर्थडे पे। तुम्हारे बर्थडे पे? आर यू गोना रिपीट एवरीथिंग? मैंने तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया था। नाउ जश्न हैज गॉन वायरल, 100,000 व्यूज। 100,000 व्यूज? तुम कमेंट्स पढ़ो। नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दिस, इट्स मोर देन ब्यूटीफुल, दीज गर्ल्स मेड कश्मीर शाइन, दीज गर्ल्स रॉक, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मतलब वो हमें लाइक करते हैं? मतलब वो तुम्हें लव करते हैं डूड। अब तो मान जाओ, यू आर ऑसम। बायरा रॉकस्टार मिर्जा। मैं ना काम करता, तुम्हारा मैनेजर बन जाता। व्हाट्स इट? माशाल्लाह बानो। वाव अम्मी, अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। सो प्राउड ऑफ यू। ताबिश आजाद, पैदा होने के बाद ये पहला दुरुस्त काम किया है आपने। इट्स बियॉन्ड ऑसम। तुमने मेरे जूस में क्या मिलाया था? कौन सा जूस? मेरे जूस में क्या मिलाया था? वैसे बालो, तुम कैमरे में बुरी नहीं लगती। हाँ, नाइस कॉम्प्लीमेंट दे रही है। थैंक यू अमू। माशाल्लाह बानो, अल्लाह आपको बहुत बहुत कामयाब करे। आपके अब्बू सुनेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। ताबिश, आपने बहुत आला काम किया है। आपने हमारे चमन में खुशियां ही खुशियां भर दी हैं। नहीं अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो बाहरा का कमाल है। बाहरा मिर्जा इज गोना मेक अस एंड कश्मीर वेरी प्राउड। आई नो इट। यस गाइस, चलो आई वांट अ पिक्चर। मी टू, मी टू। हां, 1, 2, 3 स्कूल में क्या किया आपने? आज ड्राइंग का टेस्ट पेपर मिला। और आलिया रेस में क्या आई? सेकंड। वेरी गुड, ये रही आपकी चॉकलेट। अबू सुसु। रुको मैं बुलाता हूँ। सुसु बुला रहा हूँ। इन्हें मैं ले जाती हूँ। आर यू श्योर? हाँ। चलो हम 5 मिनट में आ जाएंगे। ओके, मैं आपको टांग नहीं करूंगी। ओके बाय। हाय, मेरे को चॉकलेट दे रहे हो? आप चली मत जाना, मुझे बहुत डर लगता है। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह हूँ, मुझे भी कभी कभी बाथरूम में अकेले बहुत डर लगता है। आपको डांट से भी डर लगता है? बहुत। अब्बू आपको भी डांट लगाते? रोज दो बार। मैं भी बैड गर्ल नहीं हूँ, बस भूल जाती, पर अब्बू नाराज हो जाते। वो
हमको भी अम्मी की तरह भेज देंगे। नहीं आलिया, अब वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। अम्मी भी हमको बहुत प्यार करती थी, पर मैंने दीवार पर ड्राइंग बना दी थी ना, तो वो बहुत गुस्सा हो गई, फिर अब्बू उन पे चिल्लाने लगे और फिर वो चली गई। मैंने सब साफ कर दिया, लेकिन अम्मी नहीं आई। अब्बू शुशु कर लिया। अरे वाह, तो पूरे हॉस्पिटल में ऐलान कर दें। डॉक्टर रिज़वी, आई एम रियली सॉरी अबाउट लास्ट नाइट। मैं क्लियरली होश में नहीं थी। बिलीव मी, आई नोटिस्ड। आप बस हमारा रुमाल वापस करने की ज़हमत कर दें, क्योंकि औरों की चीज अपने पास रखना क्या होता है आलिया? Look in this one. ये तुमसे शादी करना चाहता है। I don't blame him. ऐसे ही कह रहे हैं। ये मुझे जानते भी नहीं है। इतने नाराज क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ नोचना जानते हैं, तुम्हारी क्रिएटिविटी के लायक नहीं है। मायरा, लुक एट मी, लिसन, यू आर प्योर, ब्यूटीफुल, ऑसम, और तुम इन कमीनों से बहुत बेहतर हो। कश्मीर की उन चार टैलेंटेड लड़कियों के बारे में जिनका गाना आवाम को बहुत पसंद आ रहा है, अब सबकी तरह हम भी उनके बैंड के बारे में और जानना चाहते हैं। हमारी उन्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश अभी भी जारी है। बानो, सीएनटीवी जश्न को इंटरव्यू करना चाहता है। नहीं। हाँ, वो हमसे पेचीदा सवाल करेंगे, मैं जवाब कैसे दूंगी? अरे बाहरा, पेचीदा सवालों के लिए दिमाग लगता है जो उनके पास है नहीं, इसलिए तो वो लोग जर्नलिस्ट है। नहीं तू नहीं यार, तू तो सुपर ब्रिलियंट है। हाउ इज शी डूइंग? टेम्परेचर नॉर्मल है डॉक्टर। गुड। इनके वाइटल्स हर चार घंटे में चेक करें। यस। डॉक्टर मिर्जा क्या कर रही हैं? ध्यान से। लोगों को कॉफ सिरप की लत भी लग जाती है। अब इनके जोक्स पे हंसी आ रही है। उसकी रिपोर्ट मैंने पढ़ ली, वार्ड नंबर 2 में मुश्ताक के बच्चे का क्या हाल है? हाँ सर। डॉक्टर मिर्जा, आप ये मेरे ऑफिस में बुलाए थे। ये मेरा नहीं है। डॉक्टर मिर्जा, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो वी आर ऑल देयर फॉर यू। एनीवेज, लेट्स प्लान द सर्जरी। ठीक है सर। डॉक्टर रिज़वी, क्या हम प्लीज़ 2 मिनट आपके ऑफिस में बात कर सकते हैं? ज़रूर। बैठिए। नहीं,
डॉक्टर रिजवी, देखिए आप मेरा यकीन करें ना करें, लेकिन उस रात मेरे जूस में किसी ने कुछ मिला दिया था। मुझे पीना बेहद नापसंद है। आई डोंट इवन नो व्हाट अल्कोहल टेस्ट्स लाइक। खैर, उस रात के लिए मैं आपसे एक बार फिर माफी मांगती हूँ। पर खफा होना एक चीज है और किसी के बारे में नाजायज अफवाहें फैलाना अलग बात है। आई एग्री एंड आई एम ग्लैड आपको भी इसका एहसास हो रहा है। जी, हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर्स में मेरे बारे में जो अफवाहें सरगोशी में कही जाती हैं, मैं उनसे वाकिफ हूं। कहता कुछ भी नहीं हूं ताकि इंटर्न्स के जहन में मेरा डर कायम रहे। इट सूट्स मी। लोग देखते बहुत कुछ हैं, जानते बहुत कम हैं और समझते कुछ भी नहीं। बहुत आम गलती है जो मैं भी कर चुका हूं। But I thought you would know better, Dr. Mirza. मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद आप सिर्फ अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जी। गुड नाइट। सॉरी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये क्रिटिक्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। Will someone tell me? कैसे सवाल पूछेंगे? वो बस तुम्हारे फैंस को तुम्हारे बारे में बताना चाहते हैं। So just be yourself. 5 मिनट है, मैं उल्टी करके आती हूँ। बानो। Okay, we are ready. चलो। Go. They're ready. Best of luck. चलो। Go go go. Who's first on the list today? सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके इस बैंड का नाम जशन, ये कहाँ से आया? म्यूजिक से। म्यूजिक इज अ सेलिब्रेशन। और आप सब साथ में कब आए? I mean, आपका बैंड कब फॉर्म हुआ? बैंड तो हमने 1 साल पहले ही बनाया था, पर हम पुराने दोस्त थे। तो जैसा कि हम जानते हैं, आपका वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो चुका है। आपके वीडियो ने इंटरनेट पे कहर मचा दी है। हाउ डज दैट फील? बहुत अजीब भी लग रहा है और अच्छा भी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे फैंस हैं। ये आपकी छोटी बहन है ना? जी। आपको कैसे पता? आलिया ने मुझे इनका वीडियो दिखाया था। She is a very talented girl. Thank you. पर आपके फ्रेंड्स के अलावा कुछ लोग एतराज भी जाहिर कर रहे हैं। क्लियरली उनकी ज़हनियत आपसे मिलती नहीं है। अपने क्रिटिक्स के लिए कोई मैसेज? हम ये किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। और जिन लोगों को मौसीकी नहीं पसंद, वो जश्न मनाने के और तरीके ढूंढ सकते हैं। हमें एतराज नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और खबरों के लिए देखते रहिए CNTV News। डॉक्टर रिजवी, ये आपका रुमाल। इट्स ओके, आप रख सकती हैं। मेहर तो उनके हर लफ्ज पे हंस रही थी। एंड देन आई स्वेयर ही किस्ड हर। और वो रुमाल? अरे तू रुमाल को छोड़, मेहर अल्कोहलिक है। पीते हो के साथ में घर पे बैठ के दोनों। कमाल है। क्या कमाल है? थैंक यू। कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि डॉक्टर रिजवी ने आज कितने अच्छे से पेशेंट को हैंडल किया। ही इज ब्रिलियंट डॉक्टर। हाँ, और कितने अच्छे इंसान है ना। कल तक तो उन्हें खड़ूस कह रहे थे। मजाक कर रहे थे मेहर, प्लीज सीरियसली मत लेना। और प्लीज उनको कुछ बताना मत। मैं उन्हें कुछ क्यों बताऊंगी? क्योंकि तुम दोनों, आप दोनों दोस्त है ना। दोस्त? तुम लोगों का दिमाग खराब है। डॉक्टर रिजवी मेरी खिंचाई कर रहे थे बिकॉज ही सॉ मी ड्रंक एट अ पार्टी। एंड नो, आई एम नॉट एन अल्कोहलिक, प्लीज। तो फिर वो रुमाल मुंह पोंछने के लिए दिया था बिकॉज आई वॉमिटेड ऑन हिज शूज। मैंने कहा था ना ये सब रूमर है जो कि तुमने स्टार्ट किया था। सॉरी डॉक्टर। इट्स ओके। कैन वी बिहेव लाइक डॉक्टर्स नाउ? या यार, मेहर का क्या मसला? क्या है कि मेरा डॉक्टर रिजवी के साथ कुछ चल रहा है। मैं अल्कोहलिक हूँ और रुमाल चोरी करने की आदत है। हैप्पी? सॉरी। मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला ना? बानोफी, इतना बुरा भी नहीं। घर पे बैठ। शरीयत के खिलाफ जाने की जुर्रत मत करना। यहाँ मौसीकी गुनाह है। पर ना क्या कर लोगे? हाँ, आंखें नीची।
फतवा जारी करने में टाइम नहीं लगेगा और पुलिस को भी यहाँ आने में टाइम नहीं लगेगा। आप सब क्या देख रहे हैं? सुनो, घर पे इसके बारे में मत बताना, फिजूल में टेंशन करेंगे और फिर प्रैक्टिस वैक्टिस भूल जाओ। कौन? कोई ग्लास तो नहीं टूट गया? ये लड़कियां भी ना, यल्ला व्हाट हैपेंड? क्या लिखा है? कुछ नहीं अम्मी, आई थिंक कुछ बच्चे खेल रहे थे। ना मुराद कहीं के, ये कोई वक्त है क्रिकेट खेलने का? अब ये कांच मैं नहीं साफ करने वाली, मैं जा रही हूँ सोने। रात को क्रिकेट कौन खेलता है? अमल बानो, तुम दोनों सोने जाओ। पत्थर से क्रिकेट नहीं खेलते अमल। इट्स अमाल। अम्मी बेहूदगी बंद करो वरना अंजाम बुरा होगा। बानो को मत बताना। अम्मी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मिर्जा हैं, हम किसी से नहीं डरते। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे कॉन्सर्ट का वेन्यू देख रहे हैं। यहाँ? आई लव इट। आई कांट बिलीव इस गटर से इतना ब्यूटीफुल आइडिया निकल सकता है। मिर्जा, गटर्स आर आल्सो ब्यूटीफुल, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं यार। ताबिश, ये देखो। डैम नाइस। बानू, आइडिया। शो के लिए मैं तुम्हारा किम कार्डशियन की तरह मेकआउट कर दूं? थैंक यू। Thank you. Thank you. Enjoy the show. Thank you. Hello. 10 rupees. Yeah. बाहर जाओ, इसे 100 ग्राम शर्म खरीद लो. Dude, यहाँ तो लिखा है pay as you wish. तुम जैसे कंजरों के लिए. तुम्हें पता है इंटरनेशनल म्यूजिक क्या होता है? तुम्हारी औकात नहीं है कश्मीर की ब्रिटनी स्पेयर्स को सुनने की. अटे, देख लूंगा. देख ले, उससे ज्यादा तुझे नसीब नहीं होगा. तुम कैसे बात कर रही हो? Do for me. Thank you. पता है वो मोटी है, बदसूरत है, पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी मेरी बहन से कैसे भी बात कर ले। Only I have the right. Such a lie, dude. मुझे पता है तुम बाहर से कितना प्यार करती हो। Oh my God, oh my God. माइक नहीं चला तो? हम साउंड चेक कर चुके हैं। मैं लिरिक्स भूल गई तो? मैंने लंच में खिचड़ा क्यों खाया? मैं घर जा रही हूँ। जी? मैं घर भी नहीं जा सकती। So the stage. I don't believe this. क्या हुआ? डॉक्टर खड़ूस।
कौन सा? ओ, मुझे लगा वो मोटा पुठा गंजा टाइप्स होगा। Don't tell him I'm you. Seriously, buddy, तुम डॉक्टर कैसे बने? यहीं पर आ रहा है। Good afternoon. Sofa, yes. आपकी तारीफ? डॉक्टर नौशाद रिज़वी। ओह, मेरी बड़ी बहन के खड़ूस। I mean, boss. और क्या क्या तारीफें की आपकी बहन ने मेरे बारे में? काफी लंबी लिस्ट है। Presumptuous, chauvinistic, judgmental, hypocritical, sadistic, misogynistic? बस। और भी है, अभी याद नहीं आ रहा। Are you a good doctor? Yes. Unfortunately, अच्छा डॉक्टर होने के लिए अच्छा इंसान होने की जरूरत नहीं है। Nice. याद आया? You are a terrible boss. Thank you. अब अपनी बहन से कहिए कि अपने हाइडआउट से बाहर निकल आए, वरना उनका टेरिबल बॉस उनसे मिले बगैर निकल जाएगा। डॉक्टर मिर्जा। हाय डॉक्टर रिज़वी। प्रैक्टिसिंग मैजिक अगेन? नो दीदी, बानो बहुत नर्वस है, मुझे डर लग रहा है कि वो भागने की कोशिश करेगी। ओह गॉड, अजी कहाँ है? डॉक्टर रिज़वी, वो जन्नत वाज जस्ट मैंने ऑब्वियसली ऐसा सब कुछ भी नहीं बोला। डॉक्टर मिर्जा, आप ये सब मेरे मुंह पे कह चुकी हैं। कभी कभी गुस्से में इंसान कितना कुछ कह जाता है, सब सच थोड़ी ना होता है। आर यू श्योर? मोस्टली सच नहीं होता। बट आई रियली अपोलोजाइज फॉर माई सिस्टर। बट वाई? शी इज सच एन ऑनेस्ट गर्ल। एनीवे, मैं आपकी सिस्टर को गुड लक कहने के लिए आया था। एक बहुत जरूरी मीटिंग है, वरना मैं शो के आखिर तक रुकता। प्लीज विश हर फ्रॉम माय साइड। आई विल। थैंक यू। इट्स बानो। बहुत नर्वस है। जस्ट गो टॉक टू हर। मैं उससे क्या कहूंगा? यार तुम बाबा ब्लैक शीप बोल दो, वो सुनती है तुम्हारी। मिर्ज़ा, मेरी मैं ही नहीं सुनता। अजी, she has a crush on you. What? इसमें हाँ secret वाली क्या बात है? सब जानते हैं बानू loves you. What? Don't listen. एक second. इसका क्या मतलब सब जानते हैं? Simple. वो तुमसे प्यार करती है, तुम इससे. नहीं. What? What? How I didn't know this? I'm so smart. अजी? हाँ. बकवास कर रही है. Okay, you know, forget it. Just go talk to Banu right now, वरना concert नहीं होगा. Concert cancel हो गया? No, of course not. Just go. 500. इसको संभाल। हाँ? No, pay as you wish. Okay. ताबिश मुझसे नहीं हो पाएगा, please घर चलते हैं अब। बैठो। नहीं ताबिश। Come and sit. Relax. Breathe. डर लग रहा ना? लगना भी चाहिए। तुम्हारा पहला कॉन्सर्ट है। तुम्हें पता है मुझे भी ना बहुत डर लगता था। तुम्हें क्यों? I used to have the worst nightmares. किसी को बताना मत, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मेरा 5 साल का था जब मॉम डैड और आयशा का उस राइट्स में इंतकाल हो गया। रात को चीखते हुए उठता था और दादा जाना बस आकर पकड़ लेते थे, छोड़ते ही नहीं थे। मैं कितना भी लड़ू, ये उनका तरीका था कहने का कि वो मेरे साथ हैं और आज तक साथ हैं। अरे बाहर डर लगना अच्छी बात है। तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारा जो ये बैंड है ना जश्न, और जो तुम्हारी आवाज है, इट्स बिगर देन व्हाट यू थिंक इट इज। बाहर ये सिर्फ एक बैंड नहीं है, ये एक उम्मीद है।
कश्मीरी लड़कियों के लिए और इस उम्मीद को तो हमें कायम रखना ही है ना। और उसमें तुम अकेली कहां, सब तुम्हारे साथ हैं, वी ऑल इन दिस टुगेदर। राबिया आंटी, हाशिम अंकल, शग्गो, मेहर, जन्नत, अमल, सब। और तुम? महरा, मैं तो यहीं पे हूं ना। मैंने एक काम करता हूं, मैं ना कैंसिल कर देता हूं। क्यों? अरे नहीं, ज्यादा तो क्या होगा, पैसे जाएंगे ना, इट्स ओके। नहीं, अरे तुम नर्वस हो रही है बाहरा, मैं ऐसे नहीं देख सकता तुम्हें। मैं नर्वस नहीं हूं। करेंगे, गिव मी हाई फाइव, लेट्स गो। बानो कैसी है? शी इज रेडी। अमल कहाँ है? उसे ना पागल खाने में होना चाहिए। क्यों? नाउ व्हाट? शी इज सेइंग सच रबिश कि अजी लाइक्स मी, और अजी के सामने बोल रही है, उसका मुंह लाल हो गया था। आई एम टेलिंग यू वी नीड टू गेट अ लीश फॉर हर। पर अजी इज इन लव विद यू। व्हाट? हाँ, सब जानते हैं, मुझे लगा तुम्हें भी पता होगा। There she is. Ladies and gentlemen, here comes the internet sensation, all girls band, Jashan. Hey, चलिए चलिए। क्या हुआ? चले? और आप मिलकर हैं जश्न। रेडी गाइस? वन टू थ्री। ये मौत की गुलाह है, जो शरीयत के खिलाफ है। Don't cry.
हंस बेटा, इतना नहीं रोते हैं। मत रो, बस हो गया जो होना था। You want a window or an aisle seat? Anything. ठीक है, हम दिल्ली 7:30 बजे तक पहुंचेंगे। By the way, I have no clue why we're meeting that fucking snake. बानो के लिए। वो उस आर्टिकल के बाद तुम्हारी मदद क्यों करेगा? क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। हाँ, cause he's such a forgiving motherfucker. अजी। Yes, madam. You know, अमल मजाक कर रही थी, right? किस बारे में? About you and me. That. और मेहर भी कुछ बकवास कर रही थी. You know that you love me or something like that. अजी. Look at you. उस चूतिये से लड़ने के लिए तैयार हो, पर अगर गलती से किसी बंदे को तुझसे प्यार हो गया, तेरी फट गई। अजीत, तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें क्या लगता है? You are. What the fuck is wrong with you, dude? मैं तुझसे प्यार करूंगा ना, तो गे हो जाऊंगा यार, मर दे तू। हाँ हाँ हाँ, लाइक ब्रोकबैक माउंटेन। डॉक्टर रिज़वी, आप सब ठीक है ना? आपकी बहन कैसी है? वो ठीक है, she's just a little shaken. It's trauma, लेकिन अच्छा है कि वो आप सबके साथ में है। इस प्यार से बेहतर कोई इलाज नहीं। अपनी बहन को ये प्लीज दे दीजिएगा। ये क्या है? डॉक्टर रिज़वी, पर इसकी मेरी एक्स वाइफ का हुआ करता था, वो भी सास नवाज थी। मौसीकी रूह का एहसास है, उसका सुकून है, किसी को उसे रोकने का नहीं, ना ही छीनने का। डॉक्टर रिज़वी, पर इसकी कोई जरूरत, प्लीज।
सर, आप हमारी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, दिस इज योर ड्यूटी सर। इतनी इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरा फर्ज एक स्टेट की हिफाजत करना है, ना कि खानदान की। एक फैमिली के हालात पूरे स्टेट के हालात बयान करते हैं। नो, ये सिर्फ एक शख्स की गैर जिम्मेदारी का बयान करते हैं। मिस्टर बेग, आर यू गोइंग टू लेट फंडामेंटलिस्ट रन योर स्टेट नाउ? जन्नत प्लीज, बच्चे इज्जत से। आई एम नॉट गोइंग टू लेट एन इग्नोरेंट ब्लॉगर रन दिस स्टेट। तुम अपने आप को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से बड़ा समझती हो? जी नहीं, मैं आपसे सिर्फ अपनी बहन के लिए मदद मांग रही हूँ। तो जाइए इनके दादा जान गुलाम साहब से मांगिए ना, वो करेंगे आपकी मदद, जिस तरह हमारे खिलाफ मोहब्बत नामा लिख के हमारी मदद की थी। जाइए। देखिए, दादा जान पे इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हम पे तोहमत लगाने से पहले सोचना चाहिए था बरकरदार। सलमान, ये हमारी बच्चियों की जान का सवाल है। तो इनसे कहिए कि अगर आग से खेलने का इतना शौक है तो फिर जलना भी सीखें। या फिर अपने घर बैठे कायदे से। मिर्जा, लेट्स गो। जन्नत, खाला, अब आप घर वापस आ जाएं। फातिमा, अगर आप दहलीज के उस पार गईं तो फिर वापस मत आइए। फैसला कर लीजिए, हम या वो। Let's go, चल। अब जाइए, मैं आता हूं। तुमने पूरी कोशिश की। खाला decided to stay. Yeah, I know. So, अब हम उन्हें जज नहीं करेंगे। Yeah. So, there's only one person who can help us now. Who? There's this fearless fucker. Doesn't talk. Just does. Batman. उसकी जब उंगलियां चलती है ना, लोग हिल जाते हैं। Zakir Hussain. Mirza. Dude, what? No, no. Are you mad? Mirza ne already itni tabahi machayi hai. Why do you think Salman Beg said no? Get out of the car. Go to your laptop and be who you are. Arey, tu fighter hai yaar. Dekh, main tujhe ab kamzor nahi padne dunga. Are we done yet? Shana. Are we done yet? Shut up. Mirza, yaar, are we done yet? Done. Yeah? Dikha. Mirza. यार मिर्जा, कब से वेट कर रहे हो यार, एक बार दिखा तो दे यार। ये पढ़ के बैटमैन के आंसू निकल आएंगे। मुझे हमेशा से पता था कि आप में लिखने का हुनर है, लेकिन आज महसूस हुआ कि आप अपने बहादुर अब्बा की बहादुर बेटी भी हैं। जन्नत,
तुमने किसी को नहीं छोड़ा। क्या पॉलिटिकल पार्टीज, क्या सेपरेटिस्ट, क्या टेररिस्ट, क्या सिटीजंस, मतलब जिन्हें एहसास होना तो छोड़ो, उन्होंने सोचना भी बंद कर दिया है। ये सब जिम्मेदार हैं। अम्मी आप बताएं, क्या मैं ये अपने एडिटर को भेज सकती हूँ? फौरन। सोचने की क्या बात है डूड। वेल डन। Feeling so fucking light. मैंने तुझे कहा था ना, तू इतनी बड़ी जर्नलिस्ट बनेगी। You'll win the Pulitzer Prize, travel all over the world. I can just see it. मैं ना कहीं नहीं जा रही। अभी UN या Harvard से invitation आएगा और तू फुर गायब। No अजी, I'm never leaving Kashmir. This is my home. Chill कर यार, मजाक कर रहा हूँ। ये हमें और कहाँ मिलेगा? This heaven and hell rolled into one. ये जन्नत कौन चूतिया छोड़कर जाता? ये चूतिया। तुम चूतियों के बादशाह हो। Correct, वो तो मैं हूँ। No अजी, you are all kinds awesome and strong. तू मेरी तारीफ कर रही है? मिर्ज़ा, I think I'm gonna puke. Actually, सच बात तो यह है कि मैं वीक था, इसलिए लंदन चला गया। स्ट्रॉन्ग ना तुम हो। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं आइडलिस्टिक हूँ। और तुम्हें पता है आइडलिस्ट के साथ क्या होता है? क्या होता है? हम भुला दिए जाते हैं। And with time, we become bitter and disillusioned. Correct. And where will that leave us? Like you said, stuck between heaven and hell. Hi, Mehar Didi. Hi, Alia. आज आप स्कूल नहीं गए, छुट्टी थी। मेरे पेटों में दर्द था ना। ओहो, अभी ठीक हो गया दर्द? अब उन्हें दवाई दी, चला गया। वेरी गुड। आपके हस्बैंड कौन है? क्या? आपके हस्बैंड कौन है? मेरे कोई हस्बैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी और फिर काम में बिजी हूँ। आपका बॉयफ्रेंड है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आपका है? शाहरुख खान। आपका कोई फेवरेट गाना है? पायरा दीदी का गाना मेरा फेवरेट गाना है। मैं कौन से मिलना है? मुझे पायरा दीदी के साथ ऑटोग्राफ चाहिए। जान के पीछे पड़ गए, हमें नहीं जिंदा रहने देंगे। आलिया, आलिया, कुछ नहीं है, ये सब नाटक चल रहा है, डरो मत। आलिया, सॉरी दीदी। नहीं बानो। बायरा मिर्ज़ा, आपको मेरे साथ चलना होगा। क्यों? कहाँ? गुलाम साहब ने मुझे आपकी हिफाजत के लिए भेजा है और ये जगह आपके लिए महफूज नहीं है। आइए।
मैम, वो 4 साल की है, सिर्फ 4 साल की। किस हक से आपने उसे बाहर ले जाना मुनासिब समझा? I know I shouldn't have. I'm sorry. वो आलिया मेरी बहन के बैंड से मिलना चाहती थी और उनका कॉलेज यही बगल में है, so I thought हम लोग आधे घंटे में। You thought? Please do me a favor, Dr. Mirza. Next time आपके दिमाग में कोई brilliant thoughts आए तो please don't act upon them. आप और आपके खानदान को रिस्क और डेंजर के साथ में कुछ खास लगाव है जो कि बाकी दुनिया शेयर नहीं करती, लीस्ट ऑफ ऑल अ चाइल्ड। डॉक्टर रिज़वी, इट वाज अ मिस्टेक एंड इट विल नेवर हैपन अगेन। रही बात मेरे खानदान की, हाँ, हम धमकियों से नहीं डरते हैं। और अगली बार आपके दिल में हमें अपनी एक्स वाइफ का साज देकर सहारा देने का ख्याल है, खुदा के लिए प्लीज डोंट एक्ट ऑन इट। इट ऑलमोस्ट मेक्स यू लुक लाइक अ नाइस पर्सन। This is about my daughter. अबू। अरे, आप क्यों उठ गए? डॉक्टर मेरे दीदी को पनिशमेंट मिल रही है। Yes, क्योंकि डॉक्टर दीदी ने नॉटी वाला काम किया है। और जो लोग नॉटी वाला काम करते हैं, हम लोग उनको क्या बनाते हैं? मुर्दा। Sorry. अगली बार जब आलिया बाहर जाएगी, तो वो अबू से क्या लेगी? Permission. Good girl. चलो अभी नहीं करते हैं। दादा जान, वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो गई है। भाई क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? Thank God you're okay. आ गए आप लोग? बस अब इत्मीनान के साथ जी भर के प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अब आप लोगों को किसी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं। दादा जान से ओरिजिनल ड्यूड। So this is your new rehearsal room. Wow. Tavish, आपने ये बहुत ज़्यादा अभी कहा। Of course you can, Bahira. अच्छा बाहर क्या है? शोर। यहाँ क्या है? खामोशी। जिसमें तुम्हारा जश्न जश्न बद्दूर हो जाएगा। Okay guys, see you. Have fun. Thank you, Tabish. You're welcome, Bahira. Bahira is in love. नहीं, Tabish सबसे ऐसे ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? बुखार कितने बजे चढ़ा? तकरीबन 6 घंटे पहले। लंबी सांस भरो। बेटा लंबी सांस लो। सारे आसार H1N1 की ओर इशारा कर रहे हैं। ये दवाइयाँ फ़ौरन दे दीजिएगा और अगर बुखार 100-200 पर गया तो फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। स्टेशन बदल सकती हूँ? प्लीज। थैंक यू। आपको सुफियाना कलाम पसंद है? जी। और आप? मोहब्बत इकलौता मर्ज है जिसकी ना तो वैक्सीनेशन बनी है ना ही कोई दवाई। एक बार अगर हो जाए तो इंसान को पूरी तरह से खोखला करके छोड़ती है। सुनो, आई डोंट लाइक रोमांटिक म्यूजिक। चलो जाने दो। रुको रुको। जनाब आईडी दिखाइए। मैम आपका आईडी। अल्लाह, आई थिंक मैं अपना वॉलेट हॉस्पिटल के लॉकर में भूल गई हूँ। आप गाड़ी से बाहर आइए। देखिए जनाब, हम लोग डॉक्टर्स हैं, यहीं पास ही में एक इमरजेंसी केस था जिसे देखने के लिए हम लोग आए थे। आप चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं। डॉक्टर
डॉक्टर रिजवी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मेरी बेगम है। आप वाइफ हैं इनके? जी। देखिए मैडम, ये कश्मीर है, बिना आईडी के घर से ना निकले, वरना हर बार आपके शोर नहीं होंगे आपको बचाने के लिए। आप जा सकते हैं, जाने दो। शुक्रिया जनाब। ये कहना जरूरी था? जेल की हवा खाने का शौक है अगर आपको, तो मैं वापस उनके पास छोड़ सकता हूँ। जी नहीं। अगली बार अपना आईडी कार्ड साथ में रखिएगा। जी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी पेशेंट वो बच्ची है, ना कि उनके वालिद। मैं समझी नहीं। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। कुछ लकीरें जरूरी होती हैं, आप उनकी कदर करें ना करें, लेकिन दुनिया के लिए वो जरूरी हैं। मुजफ्फर और मैं एक दूसरे को चौथी क्लास से जानते हैं। उसके वालिद मेरे अब्बू की फैक्ट्री में काम करते थे। आज हम बरसों बाद मिले और ऐसी परेशानी से भी। मैं आपको हर बात की सफाई नहीं देने वाली हूँ। और सफाई देने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। आप अपनी जाती जिंदगी में जो करें सो करें, बट ऑन ड्यूटी प्लीज कंडक्ट योरसेल्फ प्रोफेशनली। प्रोफेशनली? क्योंकि मैंने एक इंसान को दिलासा दिया कि वो अपने बच्चे को खोने वाला नहीं है। You're right. आप अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। ये डिग्री, ये महंगा सूट, ये सब आपके खोखलेपन को सिर्फ पब्लिकली छुपा सकता है, आपकी बच्ची से नहीं। You are crossing your limit, Dr. Mirza. जो आप कई बार कर चुके हैं। आप जानते भी हैं, आपकी बच्ची रोज इस खौफ में रहती है कि एक दिन आप उसे भी अपनी जिंदगी से उसी तरह बेदखल कर देंगे जैसे आपने उसकी अम्मी को किया था। और ये सब अफवाहें नहीं है, ये एक 4 साल की बच्ची का डर है। वो बच्ची जो एक प्रोफेशनल इंसान में अपने अब्बू को ढूंढ रही है। मैंने किसी को अपनी जिंदगी से बेदखल नहीं किया। अर्पा खुद अपनी मर्जी से गई थी और मैं ये आलिया को कभी मालूम नहीं होने दूंगा कि उसकी अम्मी उसे छोड़कर चली गई थी। आई एम सॉरी फॉर माय बिहेवियर। No, it's not okay. आप सही कह रही थी, मैं वाकई बहुत खोखला हो गया हूं। चलो यार, तुम लोग कितने बोरिंग हो, क्या पढ़ रही हो, चलना। पढ़ने दे, इसने तो किसी को नहीं छोड़ा। कमाल है यार। Who is this Mirza guy? असली नाम थोड़ी ना होगा। Obviously, असली नाम पता चल गया तो ट्रोल्स खत्म कर देंगे। ये ट्रोल कौन है? अरे वही जो कमीने ऑनलाइन गालियां देते हैं। To DPS na? Yeah. I'm Amal. तुम बड़े पढ़ाकू टाइप्स लगते हो। मेरे फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने चलोगे? I have extra ticket. No, thank you. Actually, I'm reading an article. उस stupid मिर्ज़ा dude के बारे में।
यू नो ये आर्टिकल तुम्हारे ही बारे में? हाँ। जो लोग आंखें बंद करके सोचते कि लाइफ में सब बढ़िया है, कश्मीर में तो सब कुछ ठीक है। चलो पिक्चर चलते हैं। ऐसे बेवकूफ लोगों के बारे में ये आर्टिकल है। और ये बंदा स्टूपिड नहीं है, तुम स्टूपिड हो। एंड आई डोंट हैव टाइम फॉर बिम्बोज लाइक यू। ए, मेरा नाम अमाल मिर्जा है और ये मिर्जा कोई बंदा नहीं, बंदी है, मेरी बहन जन्नत मिर्जा। जन्नत मिर्जा का ना अगला आर्टिकल तुम पे होगा। इमरान बिम्बो डिम्बो शिम्बो डीपीएस ऑल बुलशिट। हु केयर्स? हमारे और अजी के अलावा और कौन जानता था? इट्स सलमान बेग। खाला सच में किसी की परवाह नहीं करती। नहीं, खाला को पता भी नहीं होगा। जन्नत, आप कुछ दिन के लिए घर से बाहर मत जाइए। अम्मी, अगर सलमान बेग को लगता है मुझे चुप कर सकता है, देन ही इज रॉन्ग। मैंने किया ये सब, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा। क्यों? क्योंकि वो इमरान मुझे डम्बो बिम्बो बुला रहा था और फिर मैंने भी उसे बता दिया कि मैं भी अपनी बहन जन्नत की तरह इंटेलिजेंट हूँ। मुझसे नहीं सहा गया कि दो सेकंड के लिए पूरी कायनात अमल मिर्जा को अटेंशन नहीं दे रही है। अमल, आप अपने कमरे में जाइए अभी। Do you know what you've done? तुमने सोचा था जब तुमने खाला के बारे में आर्टिकल लिखा था? अमल, वो लड़का सही कह रहा था। You're dumb, stupid and insecure. जन्नत, अम्मी ये हमें मरवा देगी। आप सब हमेशा इसकी तरफदारी क्यों करते हैं? मैंने कोई फिजूल आर्टिकल नहीं लिखा, सारी करतूत इसकी है। अम्मी, फेमस बनना चाहती थी ना तुम, बना दिया तुम्हें फेमस। अमल, अम्मा के लिए। अरे जन्नत, जन्नत, अमल, इसने वो किया जो ये बिलीव करती है, पर तुमने सिर्फ अपनी ईगो के लिए अपनी बहन को सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। सही है ये? मैं दीदी, मुझे लगा कि सिर्फ ऑनलाइन ट्रॉल व्रॉल होगा। यू, दिस इज हाउ डम यू आर। जन्नत, इनफ इनफ। फातिमा की फिक्र हो रही है। बानु, आप खाला को फोन कीजिए फौरन। I'm sorry, अम्मी। सॉरी कहने के लिए बहुत लेट हो गया है। क्या मैं गलत हूं? क्या मेरा लिखा हुआ एक भी लव्स झूठ है? आर्टिकल ऑफ एक्सेशन, 1988 रायट्स, यूएन और प्लेबिसाइट के वादों तक कश्मीर नजरअंदाज हुआ है। हम कश्मीरी भुला दिए गए हैं। हमारी सच्चाई हमारे नक्शे की तरह फोटोशॉप होती जा रही है। कोई हमारी जमीन चाहते हैं, कोई हमारी हैसियत। कश्मीर वो नाजायज बच्चा है जिसे ना स्कूल जाने की आजादी है, ना अपनी आवाज उठाने की, ना कोई त्योहार मनाने की, ना अपने घर को घर कहने की, क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं है। मैं उनसे नहीं, आपसे पूछ रही हूं, कौन है कश्मीर? मेरा नाम जन्नत मिर्जा है। ना मैं किसी की जंग हूं, ना किसी की जागीर, ना किसी का मोहरा, ना ही किसी की फतेह। जब तक मुझ में सांस है मैं चिल्लाती रहूंगी। मैं कश्मीर हूं।
से मेरी आंखें खुल चुकी थी, पर मैं यकीन नहीं कर पाई कि सलमान वो शख्स है जो दो बच्चियों को मजलूम होने देंगे। आपने मुझे याद दिलाया कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं दर बदर नहीं हूं और ना आपको होने दूंगी। यस मिस्टर सिंह, या द आर्टिकल हैज गॉन वायरल बिकॉज लोग उससे सहमत हैं। बट सर, सलमान बेग्स रिएक्शन वॉज एक्सपेक्टेड, हम ये रिएक्शन चाहते थे। सर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट कम विद प्री कंडीशंस एंड व्हाट। I just got fired. Meher, Meher, tumhara phone. Buddy. जी, कब? जी बस मैं निकल रही हूँ। What's her status? बुखार 104 है और रात भर उल्टियाँ की है, तो डिहाइड्रेशन और वीकनेस भी है। नर्स, आलिया का टेम्परेचर चेक कीजिए। चेक किए हुए 10 मिनट हुए। आपको दोबारा चेक करने में तकलीफ है क्या? इसकी पल्स रेट इतनी स्लो क्यों है? डॉक्टर खान। जी सर। लैब से रिपोर्ट्स आ गई। आ गई सर। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कर देना सर। ये आईवी लेवल्स कौन चेक कर रहा है? मैं कर रही हूँ डॉक्टर। मेरे बताने के बाद दिखती रात को खत्म हो गई। इनकॉम्पिटेंट फूल्स। डॉक्टर रिजवी, आलिया, डॉक्टर रिजवी, डॉक्टर रिजवी, आलिया आपकी घबराहट सेंस कर रही है। Calm down. उसे डर लग रहा है। प्लीज, दिस इज नॉट हेल्पिंग। एक्सक्यूज मी नर्स, ठंडे पानी का पैन और हैंड पैन लाइए प्लीज। यस डॉक्टर। कंबल हटाइए, कंबल हटाइए जी। ऑल लाइट्स ऑफ, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा प्लीज। शी नीड्स टू कूल डाउन। एंड यू नीड टू रिलैक्स डॉक्टर रिजवी, बिकॉज़ शी नीड्स टू रिलैक्स। ये कौन है? जुनैद गिलानी, कॉन्ट्रैक्टर। गुलाम साहब ने काफी सिफारिश की थी इनकी। गुलाम अंकल लव्स दीज नमूनास। कॉन्ट्रैक्टर तो कहीं से भी नहीं लगता। मोर लाइक अ नटी प्रोफेसर। दैट्स एक्चुअली क्वाइट एक्यूरेट। हमारे स्टूडेंट्स भी हमें यही बुलाते थे। माफ कीजिए, हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे। मैडम, माफ करने लायक कोई बात हुई ही नहीं है। मैं एक प्रोफेसर हूँ। मैं IIT मुंबई में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता था। वाओ, तो फिर यहाँ कैसे? ये बस घर की याद आ गई। हमें लगा कि इस तजुर्बे और कारीगरी का क्या फायदा अगर हम अपने ही घर के सतून को सहारा ना दे पाए। प्लीज कंटिन्यू, हम आपके काम में खलल नहीं बनना चाहेंगे। मैडम, अगर आप खलल बने तो यहाँ हर रोज एक नया ताज महल खड़ा हो जाएगा। पेंसिल? पेंसिल? प्रोफेसर, आपकी पेंसिल। माय ब्रेन हैज गॉन टू पुडिंग, आई टेल यू। पुडिंग। Ha 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 ha
Please have condom pudding. It's just very funny. क्या? बच के खाला उनकी मुमताज महल मत बन जाइएगा. Please, मैं नादान नहीं हूँ. I know how this looks. इस पुश्तैनी मकान में एक अकेली औरत जो फिर से सिंगल हैं और नाजुक मजबूत और बहुत खुश. Pudding. You wanna eat that pudding? आप मेरे फ्रेम में हैं. You're welcome. Excuse me. Hi, I'm Amal. Last chance, हाँ, last chance. नहीं तो पछताओगे. हाथ आई सुपर मॉडल को जाने दिया. I think I'll survive. ये फोन ही था. सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. हमने चंदा देना बंद कर दिया है. जी शुक्रिया, उसकी जरूरत नहीं. मेरा नाम रघु है वैसे. तो क्या करूं, अचार डालूं, मुरब्बा डालूं उसका? मिर्जा घर पे है? खुदा उस फरिश्ते की हिफाजत करे. वो सियाचिन में सिपाहियों के साथ अल्लाह का नेक काम कर रहे हैं. जन्नत मिर्जा जी वो यहाँ पे रहती हैं? अच्छा, वोट ही नहीं देखी कि कुत्ते आ गए सूंघने. जी हमें किसी रिपोर्टर से बात नहीं करनी है. देखिए मैडम, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ मैडम. मैं एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ. मैं तेरी अम्मा. अरे अरे क्या कर रही है? दफा हो यहाँ से. हमें किसी रिपोर्टर से बात नहीं करनी. मैं सच में रिपोर्टर नहीं हूँ. अरे दफा हो जाओ यहाँ से. कम से कम एक मैसेज. आज सुबह सुबह चले आते. जाओ यहाँ से. हमें बात नहीं करनी. अरे अरे देखिए मैडम. अरे आंटी आंटी हेलो. क्या मैसेज है? ओ हाय. मुझे मैसेज दे दो. दरअसल आप ही से बात करनी थी मुझे. क्यों? I'm a big fan. Prove it. मिर्जा नाम आपने सिर्फ 3 साल पहले अडॉप्ट किया. उसके पहले यू नोन एज जन्नत मिर्जा. That's Google, सब जानते हैं. Tell me, मेरा पहला आर्टिकल कौन सा था? As in वो किसके बारे में था, उसका टाइटल क्या था या पब्लिशिंग डेट? Either. Uniforms curb individuality. Published by. मैंने स्कूल में लिखा था. 11th grade. क्या चाहते हो? बस इंटरव्यू. तो फिर शगो से झूठ क्यों कहा? यू आर अ रिपोर्टर. मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ना रिपोर्टर. मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाता हूँ और साथ में फोटोग्राफर. आई स्पेशलाइज इन कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स. आपने नाम क्या बताया? रघु. रघुवेंद्र थापर. जी नहीं. अब ये भी प्रूफ करना पड़ेगा. आपने वाकई? यू नो वन सेकंड, आई एम कमिंग. तो आपने वाकई फारूक सईद को इंटरव्यू किया था? Yes. और कुछ पैलेस्टीनियंस के साथ इजरायली दीवार पर ग्रफिटी बनाई और फिर उसे तोड़ा और समथिंग लाइक दैट? नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैंने उसे डॉक्यूमेंट जरूर किया था. आई एम जन्नत मिर्जा.
डॉक्टर रिजवी। उसका बुखार उतर चुका है। Her vitals are strong and test results are all clear. She's going to be fine.